When have you personally started investing in 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 crypto? crypto I actually first invested in crypto way back in 2012. डॉलर का खरीद लिया साठ सत्तर अस्सी डॉलर तो सबने भेज दिया था इफ यूड इन्वेस्टेड वन लाख रुपीज एक लाख का तीन सवा तीन करोड़ हो जाता है बहुत दुख है

हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट आज हम है एडुल पटेल के साथ ही इज द फाउंडर ऑफ अ क्रिप्टो कंपनी कॉल्ड मुड्रेक्स पिछले दो महीनों में क्रिप्टो ऑल टाइम हाइप है रैली चल रही है और बहुत सारे लोग वापस पूछने लगे कि क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करें क्या क्रिप्टो स्कैम है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है ये सारे क्वेश्चन को पूछने के लिए और समझने के लिए आज हम है एडुल के साथ एडुल वेलकम टू द शो थैंक्स पहले आप मुझे एक चीज बताइए बहुत सारे लोग बिटकॉइन को गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि इट इज़ अ स्टोर ऑफ़ वैल्यू करेक्ट ठीक है बट एक स्टोर ऑफ़ वैल्यू सिक्सटी थाउजेंड डॉलर से फोटीन थाउजेंड डॉलर्स और फिर वापस सेवेंटी थाउजेंड डॉलर ऐसे टाइप की वॉलेटिलिटी कैसे ले सकता है हाउ कैन अ स्टोर ऑफ वैल्यू बी सो वॉलेटाइल करेक्ट नो दैट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन टू आस्क तो स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉपर्टी एक तो होनी चाहिए कि अगर सबसे पहले दैट स्टोर ऑफ वैल्यू शुड बी स्केर्य लिमिटेड इन नेचर क्योंकि अगर अनलिमिटेड प्रिंट ही होते जाएगा या अनलिमिटेड बनते ही जाएगा तो इट इट्स वैल्यू विल ऑलवेज डिप्रिशिएट विद टाइम विच इज ट्रू विद कैश लाइक कैश इज नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू कैश इज फॉर ट्रांजेक्शंस राइट इट इज नॉट अ स्टोर ऑफ वैल्यू बट गोल्ड इज दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इज इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल कि मतलब आपने आपने इंडिया से लिया और जाके यूएस में बेचा तो भी कोई खरीदने को तैयार है एंड कोई आपको एक प्राइस मिल जाएगा उसका राइट

अंदर आर मोर पीपल अवेलेबल टू बाय और अवेलेबल टू सेल राइट तो वॉलिटिलिटी कम हो जाती है वी स्टार्टेड टू दी सी दिस वेरी क्लियरली नाउ ओवर द लास्ट थ्री फोर मंथ्स एटलीस्ट क्योंकि जब से बिटकॉइन का ई लॉन्च हुआ है तब से इट हैज अनलॉक्ड अ न्यू काइंड ऑफ इन्वेस्टर टू गेट इन बिटकॉइन विच इज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एज अ रिजल्ट दीज इंस्टीट्यूशनल If the price goes too up, they will sell. If the price goes too down, they will buy. True. Right. So that reduces and shrinks volatility in the short term. And In my opinion, uh, it, this is what will continue, and this is what reinforces this fact that Bitcoin is a store of value for the longer run. We are yet just in the 10th or 12th year of Bitcoin being actively traded and. वेरी वेरी वाइडली एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड तो थोड़ा टाइम लगेगा सही बात है राइज रिसेंटली एन में बिटकॉइन ई लॉन्च हुआ है अभी कितने ई टी एफ से एन वाई में लास्ट काउंट पर ट्वेल्व ट्वेल्व ई टी एफ से और यूरोप में भी एक बिटकॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड नोट निकल के आ रहा है विच विल बेसिकली बी लाइक अ डेट इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइंग एसेट है बिटकॉइन सो इट इज क्लियर दैट अ लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड रेगुलेटरी बॉडीज आर एक्सेप्टिंग क्रिप्टो ठीक है आप मुझे एक चीज बताइए बिटकॉइन में एक इवेंट होता है जो 2012 में हुआ है 2016 में हुआ है 2020 में हुआ है और 2024 में हुआ है इसको हाविंग कहते हैं ठीक है एंड <laughs> जैसे ही वो साल आने वाला होता है बहुत सारे टिकटॉक और रील्स में वीडियोस आते हैं कि दिस इज द हाविंग ईयर एंड दिस इज व्हेन बिटकॉइन हमें हाविंग का लॉजिक क्या हैव सच अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इट्स ऑन बिटकॉइन तो द क्रिएटर्स ऑफ बिटकॉइन वर मेकिंग बिटकॉइन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मेक इज लिमिटेड तो उन्होंने क्या किया उन्होंने डिसाइड कर लिया कि टोटली दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन बनेंगे ओके ये एक और एक चीज डिसाइड करी कि यार बिटकॉइन जनरेशन का प्रोसेस इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज द माइनिंग प्रोसेस दैट सिक्योर्स द बिटकॉइन नेटवर्क अब उसको माइनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जस्ट लाइक हाउ गोल्ड को माइन करके गोल्ड निकलता है बिटकॉइन hmm. के लिए भी ये एफर्ट डालनी पड़ती है बिटकॉइन एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो इसलिए उसको माइनिंग कहते हैं और कोई रीजन नहीं है राइट right? मैं इसको थोड़ा इजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश दिकुल, करूंगा दिकुल। आप बताओ मैं सही बोल रहा हूँ अब वो ट्रांजैक्शन अप्रूव करने के लिए कोई कोई मिडल मैन नहीं नहीं है कोई नहीं कोई है बैंक तो थोड़े बहुत ऐसे प्लेयर्स है जो उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए एक पजल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड उसका इंसेंटिव यह जो भी पजल सॉल्व करेगा उसको थोड़ा बहुत बिटकॉइन मिल जाएगा करेक्ट इज दिस हाउ द माइनिंग प्रोसेस वर्क करो दैट एक्टली राइट

स्टॉक का मूवमेंट है वो कम होते जा रहे हैं करेक्ट ऑलवेज हमेशा यही होता है कि बी टी सी गेट्स टू राइट बिफोर हाविंग एंड देन हाविंग एंड कम्स डाउन एंड देन इट सडनली स्लोली सडनली रिकवर्स राइट बट आई थिंक द डिफरेंस दिस टाइम इज दैट

आपको पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान से इन्वेस्ट कीजिएगा समझे मार्केट चलता हूँ वो लॉटरी है बनी तो बनी नहीं तो नहीं सही है इनके मुंह से ही आ गया है ठीक है सो आप मुझे बताइए की वॉट आर समस्टेक्स दैट

बट स्टिल डू योर ओन रिसर्च थोड़ा समझ लेना चाहिए कि यार इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं hmm. अगर आप एक अपसाइड टारगेट कर रहे हो तो वो अपसाइड कितनी है किस टाइम पीरियड में मिल सकती है एंड अगर नीचे जाएगा तो क्या करना चाहिए ताकि यू हैवे प्लान सो दैट यू आर फॉलोइंग दट प्लान द फोर्थ पीस ऑफ एडवाइस दैट यूड वॉन्ट टू इनवेस्ट विद प्लेटफॉर्म्स लाइक मुद्रेक्स दैट आर रजिस्टर्ड विदकल गवर्नमेंट दैट कैन गिव यू समार्मेट ऑफ लीगल रिकोर्स इनके सो इन द लास्ट वन There have been incidents where people from India have lost money, right? Correct. Like involved. Correct. Okay. Were they not registered with the local government? So last year there was no format of registration, there was no format of compliance. But now governments world over have learned from it. And across the world, there are different different, different formats of registration that exist. All crypto entities are required to register with the FIU.

डूबे थे ठीक है जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स के पैसे चले गए करेक्ट हुआ क्यों ऑलमोस्ट श्योरली ये सब चीजें होती इसलिए बैलेंस दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एनी एक्सचेंज एनी कस्टोडियन ऑफ योर वेल्थ इफ इट इज अलाउड टू यूज मनी अनचेक्ड

To protect interest of users because historically yeah. it is known that people at the end of the day become greedy and they end up using money wrongly. Right? Yeah. and uh, that's the reason. Like, right in today's time, the banking sector in India is.

क्रिप्टो में भी आ जाए सो दैट पीपल्स डिपॉजिट्स आर सेफ एट द एंड ऑफ द डे लास्ट ईयर समझो मैंने दो लाख रुपए इथेरियम में डाला ठीक hmm. है आज के दिन वो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड हो गया है ओके एंड okay. अब मैं उसे बेचना चाहता हूँ इस सिचुएशन में मुझे कहाँ कहाँ टैक्स भरना पड़ेगा और टोटल कितना टैक्स लगेगा तो so, इंडिया में एक फॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर अराउंड क्रिप्टो केम इन टू ईय हो लास्ट ईयर पहला साइकिल हुआ था और अब दूसरा साइकिल होने वाला है अभी टैक्स का तो so, वी आर एक्चुअली fairly familiar with टैक्सेशन कैसा है एंड तीन बहुत सिंपल रूल्स हैं तो पहले रूल्स डिस्कस करते फिर आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे राइट right? तो रूल नंबर वन इसकी यू पे थर्टी परसेंट टैक्स ऑन प्रॉफिट्स ओके दट्स अ वेरी सिंपल रूल इट इज नॉट एज पर योर इनकम स्टेटमेंट इट इज़ नॉट एज पर योर रैंक थर्टी परसेंट टैक्स ऑन प्रॉफिट राइट रूल नंबर टू इसके आर प्रॉफिट्स कॉन्ट बी ऑफ्साइटेड विद लॉसिस विच इज़ द स्लाइट पेनफुल

साढ़े चार लाख रुपए हो गए आप जब साढ़ चार लाख रुपए निकालोगे तो उसमें साढ़े चार हजार रुपए कट जाएगा yes. जो जैसा प्लेटफॉर्म कोई काटेगा और गवर्नमेंट को फाइल कर देगा तो वो टी कट गया टोटल आपका प्रॉफिट था ढाई लाख का ढाई लाख में तीस आपको टैक्स देना है मतलब आपको सेवेंटी टैक्स देना है जिसमें से फोर एंड ऑलरेडी दे दिया गया है और अगर मेरा बिटकॉइन में बीस लॉस भी हुआ उसको भी मैं इस थर्टी परसेंट टैक्स के साथ ऑफसेट नहीं कर पाऊंगा नहीं कर सकता वो लॉस लॉस है ये प्रॉफिट प्रॉफिट है ठीक है दैट्स वेरी पेनफुल व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस for new investors to make sure that they are able to get returns and make money in the long run correct kuch kuch important cheeze hain ki jaise for example humne research ke bare mein discuss kiya tha ki tips aur research kya around right yaar for for the most majority people research karna bahut mushkil hota hai hmm. right तो इसलिए मुद्रेक्स में हमने एक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है Mudrex uh, Insights जो summarize कर देता है कि फंडामेंटल वैल्यू टेक्निकल वैल्यू एंड सेंटिमेंट वैल्यू क्या है एक किसी की टोकन की ताकि आपको रिसर्च करना आसान हो जाए अगर आपके पास मान लो चलो नहीं है टाइम ये सब भी करने का एंड आप बस ब्रॉडली क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में एआई थीम में मेरे को इन्वेस्ट करना है उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा तो हमारे पास एक और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कॉइनसेट्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो कॉइनसेट्स रफली वर्क्स लाइक म्यूचुअल फंड फॉर क्रिप्टो थीमेटिक म्यूचुअल फंड या थीमेटिक इंडेक्स फंड फॉर क्रिप्टो जिसमें आप SIP की तरह कर सकते हो क्या इस प्रोडक्ट को क्रिप्टो का स्मॉल और स्टॉक्स करेक्ट बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर बेट कर बास्केट ऑफ ए आई टोकन वी गॉट अच इज अस्केट ऑफ लेकिन आप उस तरीके से भी इन्वेस्ट कर सकते okay. हमारा प्रोडक्ट है जैसा आपने कहा स्मॉल केस की तरह ही है और उससे सबसे बड़ा फायदा एक ही हो जाता है कि आप डाइवर्सिफाई कर लेते हो तो इससे आपकी रिस्क कम हो जाती है तो इसलिए यूजफुल है वो प्लस आप एस तो कर ही सकते हो राइट right? और एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे यूजर्स पूछते हैं इसके यार कितना इन्वेस्ट करूं मैं राइट right? बहुत इंपॉर्टेंट हाँ तो एज आई सेड एट द स्टार्ट यू वुड वांट टू स्टार्ट स्मॉल बट इवेंचुअली आपका ये भी होना चाहिए कि आप अपना तीन से पाँच परसेंट ऑफ नेटवेल्थ लेके आओ क्रिप्टो में हमने बहुत सारा पोर्टफोलियो एनालिसिस किया है नॉट ओनली फॉर रिटेल यूजर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ऑलमोस्ट शोरली यही रेंज होती है तीन से पाँच परसेंट जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम होता है अब आपको अगर और रिस्क लेना है और, और रिवॉर्ड लेना है तो ऑफकोर्स आप इंक्रीज कर सकते हो बट ऑप्टिमल इज दिस की तीन से पाँच के आसपास आप इन्वेस्ट ठीक है आप

शन है Uh, उसके अलावा देर आर सर्टन सिलेक्ट इंडिविजुअल टोकन जो मेरे को अच्छे लगते हैं एंड ऑफकोर्स एक दो इक्का दुग्गा मीम कॉइन में तो होता ही है अच्छा <laughs> ही है, है आप भी करते हो ठीक है, <laughs> है <laughs> हाँ, के 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 हाँ, के बातें कर सकते हो आज कुछ डिस्कस कर सकते हो बस वही है बट वो मजे के लिए मजे के लिए आप एक डॉलर डालो दो डॉलर डालो उससे ज्यादा मत डालना ठीक है आप मुझे एक चीज बताइए हाउ डूड कॉइन्स लाइक वॉट आर लुक एट बिफोर बाइंग टोकन करेक्ट क्रिप्टो में एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पहले तो जो प्रोजेक्ट है उसका एक्चुअल वैल्यू या यूटिलिटी क्या है राइट right? तो एक तो ये फंडामेंटल वैल्यू क्या है कैसी है वो देखने की कोशिश करता हूँ मैं दूसरा मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार कम्युनिटी कैसी है कितने लोग हैं कितने डेवलपर्स हैं क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन है फोर्थ एंड द थर्ड थिंग इज की जनरल मार्केट सेंटीमेंट अभी क्या चल रहा है वॉट आर पीपल ऑन रेडिट क्रेडिट अबाउट इट वट आर पीपल ऑन ट्विटर अबाउट इट एंड सोनोर्थ राइट गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इज ऑल्सो अडॉप्टिंग ब्लॉक चेन एज अ टेक्नोलॉजी लाइक सी बी डी सी जो है इंडिया का खुद का स्टेबल कॉइन या स्टेबल रुपी इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग सिमिलर सो कैन यू एलेबोरेट की इसकी ज़रूरत क्या है एंड वॉट इज इट ट्राइंग टू सॉल्व करेक्ट तो एट द कोर जैसा मैं बोला था राइट द द रीज़न माई मोर एंड मोर एंड मोर थिंग्स आर बिंग बिल्ड ऑन इज ब्लॉक्शन इट मेक्स थिंग्स मोर एफिशेंट बी इट मेक्स थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट राइट एक और एक एडेड वैल्यू है विच इज के कुछ कंप्यूट या कुछ फॉर्मेट ऑफ रूल्स क्रिएट कर पाना ईजी हो जाता है तो so, अब आप एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम में से बहुत सारे लोग आजकल फ्लाइट लेने लग गए सबने सब जगह डिजी यात्रा देखना चालू कर दिया है। डिजी यात्रा इज टॉप ऑफ ब्लॉक राइट? राइट वहां पे ट्रांसपेरेंसी है इन टर्म्स ऑफ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वहाँ पे एफिशिएंसी है कि यार एक सिंगल कंप्यूटर मेंटेन नहीं करना क्योंकि हमें दुनिया भर का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना आप आए आपका डाटा शेयर हुआ एयरपोर्ट्स के साथ और जैसे ही आप गए उसके बाद उस डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट कर दिया राइट तो एफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी है प्लस एक रूल इंजिन है जो कहता है कि यार ये सारा डेटा एकदम प्राइवेटली और सिक्योरली स्टोर हो बहुत सारी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर वोटिंग और आइडेंटिटी ऑफ लेट्स से सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशन पब्लिश करना चालू कर रही है ब्लॉकचेन पे इन द सेम वे एक और एक सेपरेट यूज द नैरो वर्ल्ड ऑफ पेमेंट्स एंड करेंसी लॉन्च हो रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज इंडिया में आरबीआई ने भी ई रूपी लॉन्च किया है करीब दो साल हो गए ई रूपी लॉन्च हुए एंड हर बैंक ने एक रूपी ऐप बना दिया है जिसके तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं e यू रूपी को नाउ द प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे को अच्छा ई रूपी और यूपीआई में डिफरेंस क्या है तो ऐसा मान के चलो कि यार यूपीआई इज अ पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है सिर्फ पैसा यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए इसके ऊपर अगर कोई भी आपको रूल्स लगाने तो आपको यूपीआई में नहीं लगा सकते तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका हम में से बहुत सारे लोगों ने सोडेक्सो यूज़ किया होगा या जीटा यूज़ किया होगा बेचारा मील कूपन राइट अब वो मील कूपन का बेसिक रूल क्या है कि मैं तुम्हें मील कूपन दे रहा हूँ तुम इसको यूज कर सकते हो बस फूड पे राइट right? ये एक रूल है और इसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सोडेक्सो ने कि यहाँ पे मर्चेंट्स है यहाँ पे कंपनीज है जो दे रही है अब ये सेम काम एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए भी बहुत रेलिवेंट है क्योंकि गवर्नमेंट government... का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इन द फॉर्मेट ऑफ सब्सिडी सब्सिडी डरेक्ट कैश ट्रांसफर बिगेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आज इतना इनफिशियंटली होता है कि पैसा पहुंचता ही नहीं है एंड में लोगों के पास या फिर अगर पहुंचता है तो गलत मीनस की तरह यूज होता है तो आप ऐसा मान के चलो कि पोटेंशियली विद विदूपी वॉट इज पॉसिबल इज दैट कि मान लो गवर्नमेंट को फार्मर्स को सब्सिडी देनी है सब्सिडी देनी है मान लो पांच हजार रुपए की पांच हजार में से चार हजार रुपए या में से दो हजार रुपए है फॉर परचेज ऑफ सीड तीन हजार रुपए है so right? तो करेक्ट वो सीधा okay. उनके वॉलेट में ई e रूपी दे सकती है और बोल सकती है आपका इतना ई रूपी यूज हो सकता है इसके लिए इतना हो सकता है इसके लिए तो इससे एफिशियंसी बहुत बढ़ जाती है एंड yeah. जो एक्चुअल बेनिफिट देना चाहती है गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर को वो मिलना पॉसिबल हो जाता है वेन हैव यू पर्सनली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एंड वॉट हैज़ योअर जर्नी बीन लाइक मतलब हाउ मच रिटर्न डिड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड क्या वो आपने अभी तक रियलाइज किया है कि नहीं करेक्ट तो आई एक्चुअली फर्स्ट इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो वे बैक इन ट्वेंटी ट्वेल्व तब हम मैं डॉइचा बैंक में काम कर रहा था और uh, हम ट्रेडिंग डेस्क में ही थे तो बहुत सारा एक्टिव ट्रेडिंग वगैरह देखते रहते थे एंड तब किसी दोस्त ने बोला था कि ये बिटकॉइन जैसा कुछ देखो एकदम से सडनली इसका प्राइस 300 गुना हो गया राइट द स्टैंडर्ड थिंग दैट हैपेंस कि सडनली प्राइस 300 गुना enter. हो गया है yeah. और उस आदमी ने पैसा बनाया तो उसने आके सबको बताया कि देखो मैंने पैसा बनाया मैंने पैसा बनाया तो ऑफकोर्स ऑफ एस गॉड इंटूवे कि यार बढ़िया है हम भी खरीदते हैं तो चलो ऐसे पचास डॉलर का खरीद लेते हैं थोड़ा सा एंड पचास डॉलर का खरीद लिया खरीदने के कुछ टाइम बाद एकदम से गिर गया फिर कुछ टाइम बाद से वापस बढ़ा तो साठ सत्तर अस्सी डॉलर को गए तो सबने भेज दिया था राइट दिस दिस ऑज ऑल दैट है इन ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टीन बट इन दैट पीरियड वाइल आई वॉज होल्डिंग इट आई एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग अट मोर अबाउट बिटकॉइन एंड ये सब क्या है एंड थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी तब राइट फास्ट फॉरवर्ड टू अबाउट ट्वेंटी फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्सटीन ट्वेंटी सेवेंटी ये कॉन्वर्जेशन चलते रहते थे इनफैक्ट अभी भी एक ई मेल थ्रेड है जो हम दोस्तों ने दो हजार तेरह में चालू किया था जिसका टाइटल ये बी टी सी प्राइस हैज रीच थ्री हंड्रेड आर वी टू लेट एंड हर साल उस ईमेल थ्रेड में कोई ना कोई मैसेज डाले की बीटीसीज रीच एक्सवाइजीसीड राइट लिटरली एवरी सिंगल एंड जस्ट टू गिव यू गाइस कॉन्टेक्ट ठीक है तीन सौ डॉलर में एक बिटकॉइन था उस टाइम पे अराउंड सेवेंटी रुपीज का एक डॉलर होगा राइट इफ यू इन्वेस्टेड वन लाख रुपीज युडन फाइव बिटकॉइंस रिच इन टूडेज टाइम इज वैल्यूडेड मोर देन थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड यू एस डॉलर करेक्ट

मतलब अ फ्यू थाउजेंड अ वीक या फ्यू थाउजेंड अ मंथ से कंसिस्टेंटली करते 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 मैंने अपना पोर्टफोलियो ग्रो किया है आई डोंट थिंक डोन्व एवर रिडीम्ड आई डोंट प्लान टू एज वेल बिकॉज एज वी सेड अर्लियर द दॉट प्रोसेस इज दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म एसेट दिस एसेट इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस आई वुड रादर रिडीम ऑल ऑफ इट अ एट अ पॉइंट एंड टाइम वेर थिंगज एव बिकम मच मोर स्टेबलर वेर दो वॉलीटिलिटी एज रिड्यूसड तो आप डोशा बैंक में कैसे पहुंचे वॉट डिड यू स्टडी गिव लिटल मोर इनफॉमेशन गर्ट्स आई कैन मैं थोड़ा सा पूरा बैकग्राउंड बता सकता हूँ मेरा तो बॉर्न एंड ब्रोटा इन अ स्मॉल टाउन नागपुर इन अ पारसी फैमिली पढ़ाई वहीं से करी है टेंथ uh, ट्वेल्थ uh, सब कुछ वहीं से किया है वहाँ एक आई आई टी होम करके कोचिंग सेंटर था जहाँ से आई आई टी की पढ़ाई करी आई आई टी में आ गए आई आई टी बॉम्बे पता नहीं था कहाँ जाना है आई में बस इतना पता था बॉम्बे जाना है yeah. तो आई बॉम्बे में आखिरी इंजीनियर था मैं मेरे बैच का hmm. आ, जो जिसको एंट्री मिली थी उस तो Bombay, साल तो इन टू आई टी बॉम्बे पाँच साल आई टी बॉम्बे में था पोज दैट इन टू डॉयचे बैंक राइट आउट ऑफ आई आई टी स्पेंड टू ईयर एट डॉयचे लेफ्ट डॉयचे इन ट्वेंटी थर्टीन टू स्टार्ट माई फर्स्ट कंपनी कॉल्ड एज निफ्लर वी वर बिल्डिंग अ हाइपर लोकल डील्स एंड डिस्काउंट्स प्लेटफॉर्म समथिंग लाइक ग्रुप ऑन

You're 25. 25 and 26. How, uh, do you mind telling us how much you got in your pocket? Let's say I was. it was good enough for me to uh, write my first angel check back then into in another French company in, in 2015. 2015. So okay. then joined uh, Tabzo, became head of product at Tabso, uh, did that for about three, three and a half years. Tabzo was trying to build like a WeChat type all in one store for India. Uh, Uh, that company eventually got acquired by Amazon and became Amazon Pay. तो जो आज Amazon Pay का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहीं पर बिल्ड किया था I didn't want to go to Amazon. देन uh, around then only was सेवेंटी टू थाउजेंड एटीन स्टार्टेड डबलिंग इन जैसा मैं कह रहा था कि 2017 से वापस चालू किया था इन्वेस्ट करना एंड देन बाई 2017 थाउन्न सेवेंटी नाइन इट वज वेरी क्लियर टू मी दैट लाइक क्रिप्टो इज गिंग टू बिकम बिग एंड इट्स गोइंग टू इट्स गोइंग टू टेक ट्वेंटी ईयर्स बट इज गोइ टू बिकम बिग एंड आई वॉन्टेड टू स्पेंड अ लार्ज मेजारिटी ऑफ माई Uh, my most productive years in this industry scaling this asset class up okay you are currently 34 years old 34 years 34 old. years old right can you tell me how your relationship with money has been uh, for, for me vast amount of the money that i have got in my life has come in these steps okay. in these step function type events what were some biggest events for example uh, getting into deutsche was one such event uh, getting the exit was another such event and so on and so forth right like we type meaningful life changing events. but apart from that uh, uh, most of the money that i earn actually just goes in saving आदर इन सेविंग ऑर इन दमेट ऑफ सम इन्वेस्टमेंट ऑफ दी अदर फॉर मी वेल्थ इज केयर बस रोटी कपड़ा मकान अच्छा हो जाए खाने पीने के लिए सही है एंड बाकी एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एंटरटेनमेंट तोल दैट एडुलर इन्वाइटिंग मी राइट आई होप हमारे कॉन्वर्जेशन के बाद बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के बारे में जो डाउट्स है जो इनसिक्योरिटीज है सब कुछ उनकी क्लियर हो गई है इफ़ यू लाइट एनीथिंग इन दिस वीडियो देन प्लीज इट द लाइक बट एन एडुल आर यू ऑन ट्विटर इफ येस डिस्क्रिप्शन में लिंक है डू फॉलो आर यू एक्टिव देर यस यू आर एक्टिव देर डू फॉलो एडुल एंड अगर आप इस चैनल में नए हो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल योर लव एंड सपोर्ट विल कीप अस मोटिवेटेड गुड बाय एंड सी यू गैस नेक्स्ट टाइम